गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे सेवेंथ चैप्टर में पी ब्लॉक के तत्व, इसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन परिवार के सदस्य, तो नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के हमने गुण देख लिए थे, भौतिक गुण भी देख लिए थे और रासायनिक गुण भी देख लिए थे। अब हम इस परिवार के दो सदस्यों के विभिन्न यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जो मुख्य यौगिक होते हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे नाइट्रोजन के और फास्फोरस के। अब दो हर परिवार में से हम इसी तरह से दो दो यौगिक, दो दो तत्वों को उठाएंगे, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या है कि अपन दो दो सदस्यों के गुणों का अध्ययन क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये ऊपर के सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व बोलते हैं, इनके गुण बाकी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, थोड़े भिन्न होते हैं, इसलिए इनके गुण, इनके यौगिकों का अध्ययन तो अलग से करेंगे। और दूसरे नंबर वाले जो तत्व हैं, इनके यौगिकों के गुणों का अध्ययन क्यों करेंगे, क्योंकि इनके समान ही नीचे वाले यौगिकों के गुण रहते हैं, तो इसलिए इनका अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक वर्ग में से अपन दो दो तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो आज हम जो कर रहे हैं वो नाइट्रोजन के यौगिकों को शुरू कर रहे हैं। नाइट्रोजन के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, या डाई नाइट्रोजन बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन या N2, ठीक है ना। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार से इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण हैं, क्या इनके उपयोग हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा इसमें। तो डाई नाइट्रोजन या N2, पहले तो देखो नाइट्रोजन की जो खोज है इसके बारे में, जो सबसे पहला पॉइंट है, नाइट्रोजन की खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। 1772 में डेनियल रदरफोर्ड, ने N2 की खोज की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। दूसरी चीज, ये भूमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, भूमंडल में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 78% पाई जाने वाली गैस है। ठीक है भाई, ये तो इसके बारे में हो गया कि जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके निर्माण की विधियां, नाइट्रोजन के निर्माण की विधियां। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में, और ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वायुमंडल का जो 78% भाग है वो नाइट्रोजन गैस है। क्या है, नाइट्रोजन गैस। निर्माण की विधियां, इसके निर्माण की विधियां देखते हैं। सबसे पहले आता है व्यावसायिक विधि या औद्योगिक विधि, व्यावसायिक विधि या औद्योगिक विधि। व्यावसायिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, तो देखो हमें पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो वायु रहती है, वायु में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। तो हम क्या करते हैं, वायु का द्रवीकरण, मतलब पहले तो वायु को ठंडी करते हैं और इसको द्रव अवस्था में बदलते हैं।
वायु का द्रव्यकरण व फिर उसका प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, वायु के द्रव्यकरण में प्रभाजी आसवन द्वारा, आसवन द्वारा N2 गैस प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। देखो यहां पर नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, क्योंकि द्रव अवस्था में प्राप्त हो गया, तो मान लीजिए इस पात्र में हमने द्रवित वायु है, ये क्या है, द्रवित वायु, और ये ऊपर अपन इस बना देते हैं प्रभाजी स्तंभ, प्रभाजी स्तंभ बना दिया, प्रभाजी स्तंभ। हमें पता है N2 गैस का ये द्रवित वायु, ठीक है भाई, नाइट्रोजन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77.2 केल्विन होता है, 77.2 केल्विन, जबकि O2 गैस का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है, 90 केल्विन। तो दोनों के क्वथनांक में अंतर है, तो जब इनको प्रभाजी स्तंभ से गुजारा जाता है, आपने प्रभाजी आसवन विधि 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी होगी कि प्रभाजी स्तंभ विधि क्या होती है। एक प्रभाजी आसवन विधि, एक तो सिंपल आसवन होता है, सिंपल साधारण आसवन विधि तो वहां काम में लेते हैं जहां दोनों जो मिश्रण में दोनों अवयव हैं उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर हो, और प्रभाजी आसवन विधि वहां काम में लेते हैं जहां मिश्रण के दोनों मिश्रण के जो अवयव हैं उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर हो। तो यहां दोनों के क्वथनांक 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर है, तो अपन क्या करते हैं इनको, जैसे ही ये ताप प्राप्त करते हैं तो पहले ऑक्सीजन गैस है जो 90 केल्विन पर ऊपर चली जाती है, और बाद में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन गैस प्रभाजी स्तंभ से गुजारा जाता है। तो जहां ये पहले ठंडी होती है, इनकी वाष्प बनाई जाती है, वो वाष्प है जो पहले कौन सी गैस द्रव में बदलेगी, 90 केल्विन वाली, क्योंकि इसका ताप पहले ये ताप आएगा, और फिर उससे भी ज्यादा उससे कम ताप पर ये नाइट्रोजन गैस। तो दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो ये एक सिंपल मेथड है, द्रव्यकरण करेंगे फिर प्रभाजी आसवन करेंगे। आसवन के बारे में पता आई है आपको, पहले गर्म किया जाता है, वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन रही है, और ये वाष्प जब प्रभाजी स्तंभ से गुजरेगी तो पहले ऑक्सीजन गैस वो हो जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी, उसके बाद नाइट्रोजन गैस बदलेगी। ये है, इससे अपन अलग कर लेते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, व्यावसायिक उत्पादन औद्योगिक विधि है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की औद्योगिक विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रयोगशाला विधि देखेंगे। अब देखिए प्रयोगशाला विधि, निर्माण की विधियों में दूसरी आती है प्रयोगशाला विधि। लैब मेथड, लैब में कैसे बनाई जाती है, तो देखो अमोनियम क्लोराइड व सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड व सोडियम नाइट्राइट की क्रिया से, क्रिया से N2 गैस का निर्माण किया जाता है। कैसे, अमोनियम क्लोराइड है,
इसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं, दोनों की क्रिया कराते हैं अपन, अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो NH4 प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, NO2 माइनस आयन, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, NH4 NO2 और Na Cl ये बनेंगे अमोनियम नाइट्राइड। ये क्या बन गया आपको? अमोनियम नाइट्राइड। अब क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्राइड का तापीय अपघटन करते हैं, NH4NO2 का तापीय अपघटन करते हैं। जब तापीय अपघटन करेंगे तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्रिया करके जल बना लेंगे, और ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु है जो N2 गैस में घुल जाएंगे, ये क्रिया होगी, ये आपकी नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर लेते हैं, किसमें? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की क्रिया कराई जाती है, जिससे हमको अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। इस अमोनियम नाइट्राइड को जब गर्म किया जाता है तो इसके विघटन के द्वारा हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसके बाद और किससे प्राप्त कर सकते हैं? तीसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से। तीसरी विधि है अमोनियम डाई अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, तापीय अपघटन से। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम सुना है, K2Cr2O7, उसमें K2 की जगह बस अमोनियम NH4 का ट्वाइस लगा देना है, NH4 का ट्वाइस Cr2O7, ये आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसको गर्म किया जाता है, देखो अमोनिया से तो नाइट्रोजन गैस, अमोनियम आयन से तो नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। ये हाइड्रोजन है जो ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो 4 4H2 हो जाएगा, और यहां बन जाता है Cr2O3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड Cr2O3। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी? +7, और यहां कितनी हो गई है? +3। अब चेन हो गया इसका, ये आपकी नाइट्रोजन गैस है। पोटेशियम अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से ये अपने को मिल जाती है। +6 +6 से +3 हो गई, ये तीसरी विधि हो गई। अब चौथी विधि आती है धातु एजाइडों के विघटन से, इसको भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, धातु एजाइडों के विघटन से। धातु एजाइड एजाइडों के विघटन से, जैसे बेरियम एजाइड, इसमें BaN3 का होल ट्वाइस, ये है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का अपन तापीय अपघटन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो अपन को बेरियम धातु प्राप्त होती है, यहां 3N2 नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम NaN3 सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, इसको गर्म करोगे तो आपको सोडियम, और इसको संतुलित कर लेंगे अपन,
यहाँ आ जाएगी 3N2 गैस, इसको 2 कर दो, यहाँ 2N, तो ये आपको नाइट्रोजन गैस। तो चार विधियां हैं नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की, क्या है चार विधियां, कौन कौन सी हैं? एक तो व्यावसायिक विधि है, सीधा वायु का द्रवीकरण करो और फिर प्रभाजी आसवन करा दो। दूसरी आपके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की क्रिया से, जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की क्रिया से इसको बनाया जाता है। तीसरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के, सॉरी अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, और चौथी है जो एजाइडो के, धातु एजाइडो के तापीय विघटन से। तो ये आपकी क्या हो गई, नाइट्रोजन गैस बनाने की विधियां हो गई। अब अपन देखते हैं इसके गुण, नाइट्रोजन गैस के गुण। गुणों में पहले देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला देखो, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है और ऑडरलेस है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ना तो कोई स्वाद है, ना कोई गंध है और ना कोई कलर है, और अविषैली गैस है। पहला तो ये आ जाएगा, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन व अविषैली गैस है, अविषैली गैस है। कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, ठीक है ना, और नॉन टॉक्सिक गैस है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके दो समस्थानिक, नाइट्रोजन परमाणु के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, N14 और N15। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक बनते हैं, कौन से, 7N14 व 7N15 पाए जाते हैं। तीसरा इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जल में विलयता बहुत कम होती है, जल में विलयता बहुत कम, अल्प विलय है, जल में विलयता बहुत कम होती है, लगभग 23.2 ml, 23.2 ml प्रति लीटर जल में, यह है इसकी विलयता, बहुत कम है, मतलब 1000 ml में 23.2 ml ही नाइट्रोजन गैस घुली हुई होती है, बहुत कम है इसकी। फिर इसका जो N2 का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी बताया था मैंने, नाइट्रोजन गैस का जो क्वथनांक है वो 77.2 केल्विन व मेल्टिंग पॉइंट होता है 67 केल्विन के लगभग होता है, 63.2 केल्विन होता है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके अतिरिक्त ये नाइट्रोजन गैस का जो वातावरण होता है वो अक्रिय होता है और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होती है। अगर हम N2 की संरचना देखें तो आपको पता है नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध होता है, N2 गैस
में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है, त्रिबंध, मतलब इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस कारण से ये अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध है, इस कारण से अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करेगी, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के काम आती है अक्रिय गैस की भांति व्यवहार, पैकिंग में काम आती है खाद्य पदार्थ की। क्यों करती है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो उच्च होती है, इसके बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। और देखिए नाइट्रोजन गैस एमओटी के अनुसार नाइट्रोजन गैस है जो डायएटॉमिक तो ही प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है। एमओटी के अनुसार एन टू गैस प्रतिचुंबकीय होती है, तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका एक एक गुण याद होना चाहिए आपको, इसका क्या क्या है। रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और एविसेली गैस है। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15। जल में विलयता बहुत कम होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 63.2 केल्विन होता है। गैस है इसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, इस कारण से ये सामान्य ताप पर गैसीय रूप में मिलती है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है जिससे इसकी बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है और ये जल्दी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करती है। और एमओटी के अनुसार नाइट्रोजन गैस प्रतिचुंबकीय होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सारे गुण आ गए आपके। अब देखिए इसकी रासायनिक गुण, ये तो आपके भौतिक गुण हो गए, मिटाल तो भाई। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। पहला है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, गर्म करने धातुओं के साथ गर्म करने पर, धातुओं के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर धातु नाइट्राइड बनाती है, धातु नाइट्राइड बनाती है। जैसे इसकी क्रिया लिथियम से कराते हैं Li, लिथियम और नाइट्रोजन की क्रिया कराते हैं, हमें पता है लिथियम की संयोजकता +1 है, नाइट्रोजन की -3 है, तो क्या बनेगा Li3N लिथियम नाइट्राइड। अब इसको संतुलित करेंगे तो हम यहां पर अगर 3 लगाते हैं तो यहां 3 नहीं हो पाएगा, यहां 6 Li लेना पड़ेगा, यहां पर 3N2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2Li3N, ठीक है ना, सॉरी, तो ये क्या बना है आपका लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, धातु नाइट्राइड प्राप्त हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम से कराते हैं Mg+N2, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रोजन की -3, तो क्या बनेगा Mg3N2, ये बन जाएगा आपका Mg3N2, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड।
तीसरा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं। तो आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी प्लस तीन होती है, Al प्लस थ्री वैलेंसी दिखाता है, नाइट्रोजन माइनस थ्री, तो ये तो Al बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, टू कर दो इधर टू कर दो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो पता लग गया धातुओं की उच्च ताप पर या धातुओं को गर्म करके जब नाइट्रोजन से क्रिया कराई जाती है, कम ताप पर नहीं होगी अभिक्रिया क्योंकि कम ताप पर तो नाइट्रोजन अक्रिय होती है, तो गर्म करते हुए ही करा सकते हैं। तो इनके नाइट्राइड धातुओं के क्या बनते हैं, नाइट्राइड बनते हैं। इसके बाद अगला गुण देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। धातुओं से क्रिया के बाद अब अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया करा के देखते हैं। अधातुओं से क्रिया अधातुओं से क्रिया में सबसे पहली है H2 से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हम क्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, क्या बनती है अमोनिया गैस, इसको वैलेंस कर लो 2NH3 यहां 3H2, और एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है एक आयरन और मोलिब्डेनम, आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये उच्च दाब पर होती है, यह अभिक्रिया किस पर होती है, उच्च दाब पर, 773 केल्विन ताप रहता है और दाब रहता है 200 ATM। अमोनिया निर्माण की ये औद्योगिक विधि है जिसको अपन हैबर विधि कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, हैबर विधि, हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है। इसमें ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, डेल्टा इज माइनस का 46.1 किलोजूल प्रति मोल, ऊर्जा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरी देखते हैं ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया, N2 और O2 की क्रिया कराते हैं, उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है ये लगभग 2000 केल्विन ताप पर, 2000 केल्विन ताप पर क्रिया होती है, क्या बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तीसरा इसकी क्रिया है कैल्शियम कार्बाइड से, तीसरी जो इसकी क्रिया कराते हैं वो किससे कराते हैं अपन, कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ये होता है कैल्शियम कार्बाइड, इसकी क्रिया N2 से कराते हैं तो हमें मिल जाता है CaCN2 प्लस एक कार्बन भार, इसे अपन बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। फॉर्मूला याद रखना इसका कैल्शियम साइनेमाइड का, CaCNA2 या इसको नाइट्रोलियम भी बोलते हैं, नाइट्रोलियम अमोनिया के उत्पादन में काम आता है, नाइट्रोलियम उर्वरक है, नाइट्रोलियम उर्वरक, नाइट्रोलियम उर्वरक है, अमोनिया के उत्पादन में भी काम आता है।
ठीक है भाई, तो ये इसकी अधातु से क्रिया हो गई, धातु और अधातु दोनों से क्रिया करता है। ये क्रिया भी लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1300 केल्विन ताप पर होती है। 1273 केल्विन ताप, 1300 केल्विन हो गया। ये कैल्शियम साइनेमाइड है जो, इसकी अगर अपन इसका जल अपघटन कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, तो अपन को अमोनिया गैस मिलती है और कैल्शियम कार्बोनेट। तो उर्वरक का काम कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी उर्वरक के रूप में काम आता है और अमोनिया भी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों अभिक्रियाओं का। अब देखिए इसके उपयोग, लास्ट वो आ गया पॉइंट, इसके उपयोग। नाइट्रोजन के, आज ये नाइट्रोजन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगली क्लास में अगला यौगिक ले सकते हैं अपन, अमोनिया। हाँ भाई, इसके उपयोग, N2 के उपयोग, बनाने की विधि हो गई, रासायनिक गुण भौतिक गुण हो गए, अब उपयोग। पहला, खाद्य पदार्थ के पैकेटों में आपके चिप्स के या कुरकुरे के पैकेट आते हैं उनमें, खाद्य पदार्थ के पैकेटों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में दूसरा इसका होता है ये उर्वरकों के निर्माण में काम आता है, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल या साइनेमाइड। जैसे अमोनिया, अभी अपन ने कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 या नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि के निर्माण में औद्योगिक पदार्थ में। तीसरा जो इसका उपयोग होता है, विद्युत बल्बों के भरने में काम आती है, निष्क्रिय वातावरण बनाने में। विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण करती है ना, अक्रिय वातावरण बनाने में, अक्रिय वातावरण में। जल्दी से क्रिया नहीं करती है। और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक व क्रायोसर्जरी में किया जाता है। द्रव N2 का उपयोग प्रशीतक व क्रायोसर्जरी में भी किया जाता है। क्रायोसर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। यहां अपन नाइट्रोजन के निर्माण गुण और ये पढ़ लिए अपन ने। अब अगली क्लास में हम इसका दूसरा यौगिक देखेंगे, नाइट्रोजन का अमोनिया, अमोनिया गैस के निर्माण की विधियां, अमोनिया गैस के गुण, इनको हम पढ़ेंगे और उपयोग।